बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के सेक्शन में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ड्रॉप डाउन लिस्ट को क्रिएट करना सीखेंगे। ये देखिए, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आती है। सबसे पहले आप ये रेंज सेलेक्ट करें, डाटा में जाएं, यहाँ से आप ड्रॉप डाउन लिस्ट पर क्लिक करें, ओके करें और यहाँ से इसको एनी वैल्यू करके ओके कर दें। तो यहाँ से ड्रॉप डाउन लिस्ट में जो अभी बनी हुई थी वो मूव हो जाएगी। उसके बाद ये रेंज सेलेक्ट करें, इसको आप डिलीट कर दें। यहाँ पर मैं चाह रहा हूँ कि जेंडर के सामने मेल और फीमेल लिखा है, उसके लिए हमने क्या करना है, डाटा में हमने यहाँ पे जाना है, डाटा वैलिडेशन पे इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर हम लिस्ट लेंगे, यहाँ पर हम मैनुअली लिख देंगे मेल कॉमा फीमेल और इसको हम कर देंगे ओके। देखिए, एक मेथड तो ये था हमारे पास ड्रॉप डाउन लिस्ट को क्रिएट करने का, यहाँ पर हमने मैनुअली मेल एंड फीमेल लिखा। एक है ऑटो लिस्ट को अटैच करवाना, मंथ ऑफ द बर्थ हम यहाँ पे ऐड करवाना चाह रहे हैं, तो 12 मंथ्स होते हैं तो उसकी लिस्ट हम किस तरह ऐड करवाएंगे, यहाँ पर आपने क्लिक करना है। यहाँ से हम लिस्ट पे जाएंगे, सोर्स पर आपने क्लिक करना है, जहाँ पर आपका डाटा पड़ा हुआ है उस रेंज को आपने सेलेक्ट कर लेना है। देखिए, यहाँ तक मैंने रेंज सेलेक्ट की है तो यहाँ पर ये रेंज लिखी आ गई है, इसको मैं ओके करूँगा। वापस हम इस जगह पर आएंगे जहाँ पर हमने ये डाटा वैलिडेशन अप्लाई की है, तो इस बटन पर मैं क्लिक करता हूँ तो देखें हमारे पास यहाँ पर मंथ्स के नेम आ रहे हैं। कोई एक मंथ आप सेलेक्ट करें, ओके करें, दोबारा से क्लिक करें, मंथ सेलेक्ट करें, ओके करें। तो ये मेथड था माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को यूज़ करते हुए वो यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट को ऐड करवाने का। आई होप कि आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। ऐसी मजीद वीडियो से अपडेट आने के लिए अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।